अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिस स्वीटी। सो ये है हमारा न्यू व्लॉग, तो चलते हैं हम। आज संडे है। ओके लेट्स गो। मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। सो हमने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। मेरी गली थोड़ी अच्छी नहीं है, इसी यहाँ का लगती बहुत गर्मी है, तो बहुत धूप है, बाइक में गुजरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैं शान स्वीट एंड बेकर्स पर आ चुकी हूँ। कैमरा मैं नीचे ही रखती हूँ क्योंकि कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है, तो इजाज़त लिए बिना मैं ऐसे ना कैमरा सामने नहीं करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। अब मुझे मोम के लिए खजूरें लेनी थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की इधर इजाज़त लेकर उनकी, ठीक है। पर्सनली मुझे इनके सबसे ज़्यादा इनकी मिठाई पसंद है, गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैंने मीरपुर तक की मिठाई खाई हुई है, लेकिन इनसे बेस्ट किसी की मिठाई नहीं है। और मैं इनकी ब्राउनी खाती हूँ। मैं आज जो आई थी वो मैं मोम के लिए खजूरें लेने आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की है, मैं पिक्चर ऐड करूँगी उनकी, ठीक है। देन मैंने अपने लिए चॉकलेट ली। चॉकलेट लेने के बाद वो जो खजूरें थी वो तो मैंने पैक कर दें। देन एक और चीज़, यहाँ पे एसी लगा होता है, बिल्कुल गर्मी नहीं होती, सुकून से आप कुछ भी ले सकते हैं। और ब्राउनी की पिक्चर्स ऐड करूँगी जो मैं लेती रही हूँ मदर्स डे पे, उसके बाद जब मेरे 1K हुए थे टिकटॉक पर, उसके बाद मैंने जिन जिन डेज़ के लिए मैंने ली थी इवेंट्स के लिए वो मैं ऐड करती जाऊँगी। खजूर मैंने चेक की थी, बहुत मज़े की थी। देन मैंने ली ये कैमरा थोड़ा लाइट की वजह से ना, फिर मैंने ये चेक करके चेक भी की, मैंने बहुत यम्मी थी। देन मैंने फिर पैक करवाई। उसकी भी वीडियो मैं ऐड करती हूँ। तो ओवरऑल मैंने सारी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की, तब मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की थी, ऑडियो जो है मैंने कहा था मैं बाद में करूँगी क्योंकि वो थोड़ा रश होता है, शोर होता है, तो इसलिए मैंने कहा ऑडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगी। पैक करवाने के बाद फिर मैं निकल आई वहाँ से। देन मोम से रिव्यू लेते हैं जाके, मोम को कैसी लगती है, फिर वो रिव्यू भी मैं ऐड कर दूँगी। भाई जनाब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप थी, बहुत मज़ा आया, ठीक है। अभी किसी दिन शान रेस्टोरेंट की, उसका भी मैं व्लॉग शेयर करूँगी ज़रूर। वहाँ पे एक ऑफ़र भी चल रही है शान की, 3rd एनिवर्सरी और ईद मिलादुन्नबी से रिलेटेड, हाँ, और उसका भी मैं ना एक वो जो है ना पोस्ट वो आपके साथ शेयर करती हूँ इधर। ये जो है ये 23 से 30 सितंबर तक है। अभी मैं इधर से निकल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने लिए सेलफोन भी देखना था अपनी ब्लॉगिंग के लिए, ताकि मेरी जो क्वालिटी है कैमरे की वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो निकलते हैं। इसी है मोबाइल शॉप इधर भिंबर में, ठीक है। तो मैं इन्हीं पर देखने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आज पहली दफ़ा अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए जी? और मुझे रेट वगैरह बता देना। एक था 2500 का था जिसका पूरा सेट था,
उसमें लाइट भी थी, स्टैंड भी था और प्लस उसके बाद रिमोट था, ठीक है, प्रॉपर जो ऑफिशियल होता है, जो प्रोफेशनल यूज होता है। 2500 का था वो, 2500 का एक जो हमारे पास सिर्फ माइक था छोटा, वो जो है ना वो आपको तकरीबन 1200-1500 का मिलता है। सही, पिक्सल कैमरा 8 बैक फ्रंट 8GB रैम 128 मेमोरी, ये आपको मिल जाएगा मैडम फाइनली 36 का। सही है, ये वीवो का मॉडल है 6GB 128GB, ये आपको मिल जाएगा 59 का, ठीक है 59,000 का। ये 14 है 6GB 128GB में, ये ब्रांड न्यू बैक, ये आपको मिल जाएगा 61 का, और ये आपको मिल जाएगा अनबॉक्स हुआ हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 55। ये वाई A34 है, ये बैक में 135 की रेंज तक होता है, ये आपको मिल जाएगा 15 का, ठीक है। सही है, थैंक यू। सो मुझे माइक नहीं मिला और मोबाइल की जो बता रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि लाइक नहीं, लड़की नहीं खरीद सकती भाई, कोई किसी लड़के को ही अपना मोबाइल लेने के लिए, लड़कियों को नहीं सही रेट बताए जाते जनाब। इवन मैं भाई के साथ आई हुई हूँ, मुझे सारे रेट्स का पता है। लाइक मैं तो यही मशवरा दूंगी खासकर लड़कियों को कि जी भाइयों के साथ ही आए, अकेली मत आए। व्लॉगिंग के लिए ना मुझे पूछनी थी ताकि जो लोग इनसे लेने आए उनको पहले ही पता चल जाए, ठीक है। चलो अच्छा है, थोड़ा तजर्बा हुआ है। हेलो, तो मैं शान पे गई थी, शान स्वीट्स एंड बेकर्स पर, तो मैं ये लेकर आई हूँ खजूरें, ठीक है। इसको ये एक होता है फ्रूट खजूर और एक पता नहीं जो भी था, ठीक है, तो ये दूसरी खजूर होती है। तो ये मेरी मोम को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और हमारे मोम डैड हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम रिटर्न में उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये मेरी मोम की फेवरेट है, तो मैं इसलिए अपनी मोम के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। आज ये उनके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। सो इसको ये तो पैक ही रहने देती हूँ, ये वो ओपन करेंगी, ठीक है। मैं उनकी ना ओपनिंग का भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो जो मैं खा नहीं सकी, मेरे से नहीं खानी हो रही थी, इतनी हैवी थी, तो ये मैंने, ये भी उन्होंने मुझे टिश्यू में डाल के दे दी थी ताकि मैं घर जाके खाऊँ, ठीक है। बहुत मज़े की है, यम्मी। सो ये मोम के लिए हम रख देते हैं, जब मोम आएंगी मतलब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। सो अब मैं इस व्लॉग को करने लगी हूँ एडिट। वाओ, शुक्रिया, थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत 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 अच्छा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।